हेलो एवरीवन, दिस इज श्याम चौधरी। वेलकम बैक टू श्याम चौधरी ब्लॉग्स। सो गाइस, फिर से स्टाफ नर्सेस के लिए एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया है ऑफिस ऑफ द नेशनल आयुष मिशन आसाम से। सो नर्सिंग ऑफिसर के लिए आसाम से एक रिक्रूटमेंट निकल कर आया है। और खुशी की बात गाइस ये है कि ANM और GNM जो है दोनों के लिए ये रिक्रूटमेंट निकला है। मतलब मिडवाइफ के लिए ANM जो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और नर्सिंग ऑफिसर के लिए GNM कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड कितने पोस्ट निकले हैं नर्सिंग ऑफिसर के अलावा और कितने पोस्ट जो है निकल कर आए हैं, जैसे कि फार्मासिस्ट, क्लिनिकल इंस्ट्रक्टर एंड और भी जो है कि सारे मेडिकल ऑफिसर, अकाउंट ऑफिसर और भी बहुत सारे जो है पोस्ट निकल कर आए हैं, सब कुछ हम इस वीडियो में देखेंगे। सो गाइस, अगर आप नए हैं मेरे चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, सो दैट जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास नोटिफिकेशन जो है आ जाएगा। सो गाइस, हमारे चैनल पे नर्सिंग के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन, रिक्रूटमेंट के रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन आप पाएंगे। सो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस, चलिए नोटिफिकेशन रीड करते हैं। जैसे कि आपको पता है नेशनल आयुष मिशन आसाम से ये निकल कर आया है रिक्रूटमेंट advertisement for the various positions under National Ayush Mission Assam. So guys, इस पोस्ट के लिए आप जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जो कि आसाम नेशनल आयुष मिशन कैंसर हॉस्पिटल से, जो कि 50-bedded हॉस्पिटल है, जैसे कि दुधनोई, गोलपारा ऑफ आसम एंड सिरम चापोरी, ये सारे जो जगहों में जो है नेशनल आयुष मिशन हॉस्पिटल है, यहाँ पर आपकी पोस्टिंग किया जाएगा। सो गाइस, वेरियस पोस्ट जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मिडवाइफ का भी जो है ANM कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं मिडवाइफ के लिए। सब कुछ जो है रीड करते हैं। चलिए ये देखिए, ये जो पहला है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक निकला है, BMS कैंडिडेट इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। एंड नंबर ऑफ पोजिशंस यहाँ पर है जैसे कि 12 एंड इसके सैलरी जो है मेडिकल ऑफिसर आयुर्वेदिक एंड 50,000 सैलरी है गाइस, बहुत ही अट्रैक्टिव सैलरी। BMS कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड यहाँ पर रेसिडेंट मेडिकल ऑफिसर जैसे कि वो भी आयुर्वेदिक है, BMS कैंडिडेट इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। सेम सैलरी होने वाले 50,000, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 2 है। एंड असिस्टेंट मेट्रोन देखिए, यहाँ पर जो है असिस्टेंट मेट्रोन निकली है, BSc कैंडिडेट और GNM जो है इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दे शुड बी रजिस्टर्ड इन आसाम नर्सेस मिडवाइफ एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल and previous experience of 6 years in the renewal field. Assistant matron होने के लिए experience चाहिए in the relevant field and इसका salary भी बहुत ही attractive है। and staff nurses के लिए जिसकी salary है 18,000 rupees, number of post 24 है। and इसके लिए जो qualification चाहिए BSc nursing and diploma holders can apply for this post and registered under Assam Nurses and Midwives Health Visitors Council. इसके लिए आपको जो है आसाम से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आसाम से चाहिए होगा इसके लिए। एंड और भी जो है GNM कैंडिडेट इसके लिए तो स्टाफ नर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर जो है और भी कई सारे पोस्ट निकले हैं, जैसे कि देखिए जो 8th पास है वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं, लाइक चौकीदार वार्ड बॉय के लिए। एंड PN की पोस्ट जो है 8th क्लास पास, सेम जो है क्वालिफिकेशन रहेगा। बहुत सारे पोस्ट हैं, ड्रेसर्स है, हम स्वीपर। एंड यहाँ पर जो है जो इम्पोर्टेंट मिडवाइफ का जो है पोजीशन है, जिसकी सैलरी है 16,500 रुपीज़, नंबर ऑफ पोस्ट जो है 8 है। एंड ANM कैंडिडेट जो है मिडवाइफ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस विल बी रजिस्टर्ड विद असम नर्सेस एंड हेल्थ विजिटर्स काउंसिल से रजिस्टर्ड होना पड़ेगा। इसका गाइस एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है 4 सितंबर से एंड लास्ट डेट जो होने वाला है 18 सितंबर, मतलब 18 सितंबर तक आपका जो है टाइम है। आपको ऑफलाइन आवेदन नहीं करना है, नो ऑफलाइन एप्लीकेशन विल बी एक्सेप्टेड, यहाँ पर आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। आप वेबसाइट में जाइए ayush.assam.gov.in, वहाँ पर जाकर आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। वेबसाइट याद कर लीजिए या फिर लिख दीजिए या फिर कॉपी कर लीजिए। इस वेबसाइट में जाकर जो है आपको अप्लाई करना है। एंड बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड किए हैं, आप चाहे तो ये मेरे टेलीग्राम चैनल से नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका नाम है श्याम चौधरी, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी आप ज्वाइन हो सकते हैं। सो गाइस,
बहुत सारे जो है पोस्ट स्टाफ नर्सेस के लिए, मिडवाइफ, एएनएम कैंडिडेट के लिए भी निकला है, और भी जो है बहुत सारे पोस्ट हैं, आप चाहे तो अप्लाई कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन 4 में ओनली शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू, मतलब जिनका जो है हाई क्वालिफाइड है, एलिजिबल है, उन्हें ही जो है इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। एंड नो TADA अलाउंसेस विल बी गिवन फॉर द इंटरव्यू, मतलब ट्रैवलिंग अलाउंस आपको नहीं दिया जाएगा। सो गाइस जो इंटरेस्टेड हैं अप्लाई फटाफट कर लीजिए। सो गाइस आज के लिए इतना ही इन्फॉर्मेशन, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए रिक्रूटमेंट के साथ। सो गाइस अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए। सो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।